हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब अपडेट्स जोन में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई जॉब वैकेंसी की अपडेट्स जो कि आया है OPTCL यानी कि ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये OPTCL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चलिए देखते हैं इनका जो कितना वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सारे को एक करके हम देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इनका जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 14 मई 2021 से शुरू हो चुका है और इनका जो क्लोजिंग डेट है यानी कि लास्ट डेट वो है 13 जून 2021। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को आगे तक देख सकते हो। दोस्तों, बात करें हम OPTCL की वैकेंसी की, तो जो वैकेंसी आया है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आया है। तो पहला जो वैकेंसी है MT फाइनेंस, इसमें टोटल 11 पोस्ट है, जिसमें वोमेन के लिए 4 पोस्ट है और आप देख सकते हो ST के लिए 5, SC के लिए 1, SC BC के लिए 2 एंड जनरल के लिए 3 पोस्ट है। देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग HRD, इनके लिए टोटल 3 पोस्ट है जो कि ST के लिए 1 पोस्ट एंड जनरल के लिए 2 पोस्ट। देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन लॉ, इसमें आपको जनरल में 1 पोस्ट ही है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग IT में जो कि ST के लिए 1 पोस्ट है एंड जनरल के लिए 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट है। नेक्स्ट है MT CS में आपको जनरल में 1 पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट। देन MT इन इकोनॉमिस्ट, तो इसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है। देन नेक्स्ट है सैलरी की बात किया जाए तो इनका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो पहला फर्स्ट ईयर का जो स्टाइपेंड मिलता है आपको, वो ट्रेनिंग पीरियड में 24,000 मिल जाएगा। इनके लिए OPTCL में 1 ईयर का जो ट्रेनिंग रहता है उस टाइम आपको 24,000 मिल जाएगा। देन आपको रेगुलर होने के बाद जो कि इनका पे मैट्रिक्स है 56,100 से लेके 1,77,500 तक रहता है। इनका जो इनिशियल बेसिक पे रहता है वो 56,100 रुपीज़ रहता है, यानी कि आपको 1 ईयर के बाद 56,100 मिल जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। दोस्तों, OPTCL की ट्रेनिंग की बात किया जाए तो आपको 1 ईयर का कंपलसरी ट्रेनिंग पीरियड रहता है, उसके बाद आपको रेगुलर होता है और सैलरी भी रेगुलर के हिसाब से मिलता है। देन नेक्स्ट है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। दोस्तों, अगर आप OPTCL में जॉब होता है तो आपको इनके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से 3 ईयर का जो कि आपको उनके कंपनी के साथ जुड़े रहना है, यानी कि 3 ईयर तक आपको उनके एक बॉन्ड साइन करना होता है, उनके बीच में आपको जॉब नहीं छोड़ सकते हो। तो 3 ईयर का आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहता है। देन नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो डिग्री विथ पासिंग ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंट किए हो तो आप एलिजिबल हो MT फाइनेंस पोस्ट के लिए। देन नेक्स्ट है MT इन HRD, इसके लिए आपको PG डिग्री और डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर वेलफेयर, HRD, HRM और PM&IR और MBA। अगर आप MBA में किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इनके जो मिनिमम मार्क रखा गया है वो जनरल के लिए 60% एंड SC ST के लिए 50% रखा गया है। देन नेक्स्ट है MT लॉ के लिए। तो लॉ के लिए आपको पास डिग्री इन लॉ, यानी कि अगर आप लॉ किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट है MT IT। दोस्तों, बहुत कम जॉब रहता है IT के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब IT के लिए बहुत कम रहता है। तो आप अगर IT में BTEC किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और इसमें 60%
आपको जनरल के लिए 60% एंड SC ST के लिए 50% मांगा है। नेक्स्ट है MT एंड CS। तो अगर आप कंप्यूटर सेक्रेटरी हैविंग एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो आप इसमें ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। द नेक्स्ट है MT इन इकोनॉमिक्स। दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स में डिग्री किए हो या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट विथ एटलीस्ट 60% तो आप एलिजिबल हो। देन नेक्स्ट है एज लिमिट। तो इनका जो मिनिमम एज लिमिट रखा गया है 21 एंड मैक्सिमम जो रखा गया है 32 रखा गया है। एंड इनका जो एज इलेक्शन रखा गया है वो 5 ईयर SC ST एंड SC BC के लिए, 5 ईयर एक्स सर्विसमैन के लिए, 5 ईयर इन केस ऑफ वोमेन कैंडिडेट एंड 10 ईयर्स इन केस ऑफ PWD, यानी कि PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का एज इलेक्शन रखा गया है। दोस्तों ये सारे कॉमन पॉइंट जो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हो। अगर आप इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जो मेन बात है वो सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों इनका जो सिलेक्शन होगा वो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। टोटल 200 मार्क्स रहने वाला है, जो कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज 80% एंड जो बाकी न्यूमेरिकल और GK के लिए 10% एंड इंग्लिश नॉलेज के लिए 10% रहेगा। देन अगर आप इंटरेस्ट CBD क्लियर करते हो तो आपको 1:3 में बुलाया जाएगा MT फाइनेंस के लिए। देन नेक्स्ट 1:5 रेशियो जो कि अदर पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन नेक्स्ट देख सकते हो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो CBT जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको 50% अगर आप अनरिजर्व्ड और SC BC कैटेगरी में हो तो आपको 50% मिनिमम लाना ही लाना है। एंड SC ST के लिए 40%। देन पर्सनल इंटरव्यू के लिए अनरिजर्व्ड एंड SC BC कैटेगरी के लिए 40% एंड SC ST के लिए 40% जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। देन नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी। दोस्तों अगर आप अनरिजर्व्ड और SC BC कैटेगरी से हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ी 1000 रखा गया है। देन नेक्स्ट SC ST एंड PWD के लिए आपको 500 रुपीज़ रखा गया है। दोस्तों जो कि नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो भुवनेश्वर रहेगा। अगर आप इस लोकेशन के लिए आप कंफर्टेबल हो तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। एंड दोस्तों आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना अच्छे से अगर आप इंटरेस्ट हो तो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.opdigital.co.in आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। देन आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप देन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा आप अप्लाई करने से पहले इन जितने भी सारे पॉइंट्स दिया गया है आप उनको अच्छे से पढ़िए। देन अगर आपको अच्छे लगे तो आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। देन नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट डेट्स, जो कि इनका 14 मई से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और इनका जो लास्ट डेट है वो 13 जून रखा गया है। तो दोस्तों आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। मिलते हैं अगले एक नई जॉब वैकेंसी की अपडेट्स के साथ। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जब भी नई जॉब वैकेंसी की अपडेट्स लाए आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।